इस रूम में हम 6 लोग रुके थे, 1500 रुपीस पर नाइट और ग्लव्स पहन लिए हैं, ऑल सेट। अब निकलते हैं बाहर की तरफ और सामने जमी है बर्फ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। रात को टेम्परेचर था -8 और अभी टेम्परेचर है -3। भाई जब बाहर निकला था ना और मैंने ग्लव्स निकाले, आप लोग ये समझ सकते हो कि यार बस खून पूरा जम चुका था। और जिस होटल में हम रुके थे उसके जो ओनर हैं, आओ उनसे बात करते हैं जरा वासुकी ताल के ट्रैक के बारे में कि इस टाइम पे सेफ है जाना या फिर नहीं। बहुत सही भैया, इनके यहाँ हमने रूम लिया था कल, इन्हीं का होटल है मंदिर के जस्ट बगल में, पिंक सिटी नाम, पिंक सिटी करके मंदिर के जस्ट जैसे ही आप चढ़ेंगे लेफ्ट हैंड पे आपको एक गली जैसी मिलेगी, अंदर घुसेंगे आपको पिंक सिटी मिल जाएगा। बाकी भैया से जरा वासुकी ताल के बारे में पता किया था, आप भी सुन लो इन्होंने क्या कहा, बाद में बोलोगे कि मैं गया नहीं। जो वासुकी ताल का ट्रैक ना आप सामने देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो सामने जो ये पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद 4 किलोमीटर स्ट्रेट जाना पड़ेगा, रामताल आती है, उसके थोड़ा नीचे जाके मतलब लेफ्ट साइड में जाके आती है वासुकी ताल। काफी बड़ी ताल है, बहुत सुंदर पानी उसमें देखा गया है, वासुकी नाग का उसमें विराजमान बोलते हैं, तो वहाँ पे दर्शन करने लोग जाते हैं, उसका पानी से थोड़ा स्नान करते हैं जो भी है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक है, इस समय वहाँ पर ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होगी तो फिसलने का चांस है, बर्फ़ के अंदर जाने का चांस है, तो इस समय बड़ा रिस्क कह सकता हूँ मैं इस ट्रैफिक के बारे में। मतलब इस समय जाना थोड़ा रिस्की है भैया, काफी टफ है इस टाइम पे जाना। मतलब एज यू कैन सी ना कि वो पहाड़ियाँ यार उनके पीछे जाना है और ये आप देख ही रहे हो, मतलब इस टाइम बर्फ पिघलेगी पानी आएगा और अगर स्लिप हुए तो सीधा नीचे और आगे, तो आप लोग समझदार हो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा आगे। 2013 में जो ट्रेजेडी हुई इधर, वो सामने जो टूटा हुआ लग रहा है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे एक ताल थी गांधी सरोवर करके, तो उसमें बादल फट गया था, तो पानी का फ्लो बहुत तेज से हो गया था और 4-5 मिनट में केदारनाथ की तबाही हो चुकी थी। जैसे कि भवन टूटी हुई, हमारे 10 मकाने थे, बहुत लोगों के मकाने वहीं, परिवार वहीं, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मैं भी यहीं पे था उस टाइम पे 2013 में, तो ये मंजर तो आपकी आंखों के सामने हुआ होगा। फिर मैं ये समझ लो 4-5 मिनट के अंतर्गत पूरी केदारपुरी तबाह हो चुकी थी, तो वहाँ भी जो ताल है वो ताल है नहीं क्योंकि वो ताल फट चुकी है, उसमें पानी जमा नहीं होता है, जमा नहीं होता, देखने जाते हैं। फिर निकला मैं बाहर, सामने केदारनाथ टेम्पल और पीछे माउंटेन्स, बहुत अच्छा नज़ारा है बाहर का, बट ठंडा भी बहुत है। सुबह निकला था जब मैं बाहर 6 बजे, तो टेम्परेचर था -4 to -5 degrees Celsius और एक भाई हमारे लेंगे दिल्ली वाले हेलीकॉप्टर, जो कि अब पैदल चल नहीं पाएंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो चल क्यों नहीं पाएंगे। फिलहाल उन्होंने मुझे लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाया था, तो अभी जाता हूँ मैं हेलीपैड की तरफ। और हेलीपैड जाते टाइम मुझे दिखे कुछ लोग जो कि काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये म्यूजिक किसने बंद कर दिया ब्रो, वेट। तो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर्स दिख गए और चारों तरफ नजर घुमा ली, पर हमारे भाई लोग नहीं दिखे यार। तो अभी हम निकलेंगे वासुकी ताल के ट्रैक की तरफ। सो मैं वापस आ गया टेंपल की तरफ, पहले किया ब्रेकफास्ट। अभी बताता हूँ कि दिल्ली से जो लोग थे वो ऐसे इस तरीके से निकल क्यों गए इतनी जल्दी। जो मेरे साथ जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था नीचे से इस ट्रैक के लिए, जब मैं सोलो था, तो उनमें से एक भाई की जो है बैक पेन थी काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो बैक है स्पाइनल कॉर्ड उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हो गई थी, जिससे डॉक्टर ने उन्हें अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स बेड रेस्ट बोला ही था, बट अभी 1 मंथ हुआ है और उन्होंने यहाँ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ का ट्रैक जब उन्होंने आधा कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुत हिम्मत दिखाई यार भाई ने, मैं दाद देता हूँ भाई की कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। बट जैसे ही यहाँ का ट्रैक लगभग 3 से 4 किलोमीटर का बचा, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, घोड़ों पर वो अत्याचार करना नहीं चाह रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने घोड़ा लिया ही नहीं। हमारे साथ पैदल ही ट्रैकिंग करते रहे रात में, मतलब इतना पेन हो रहा था क्यों बयां भी नहीं कर पा रहे थे। -4 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम यहाँ पे पहुँचे तो होटल लिया, अब होटल लेने के बाद रात के 12 बजे के समथिंग भाई की नींद खुली, मैं तो कुछ काम कर रहा था, बाकी सब लोग सो गए थे, तो उन्हीं भाई की आँख खुली जिनको पेन हो रहा था, और उनका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे काफ़ी कम है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड है, तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लगी। मैं काफ़ी डर चुका था बट इट्स ऑल राइट, आदमी खिड़की वगैरह खोली और बैठे थोड़ी देर, रात भर जगे हैं भाई हमारे, और उसके बाद आज उन्होंने हेलीकॉप्टर कर लिया। बाकी जो 4 भाई लोग हैं वो लोग गए हैं ट्रैकिंग करते हुए, पैदल गए हैं नीचे, भाई को दिल्ली तक राइड करना है और हमारा जो साथ था वो केदारनाथ तक था, बस इस चढ़ाई की ट्रैकिंग के लिए। बाकी
इन अनजान रास्तों पे मिलते रहेंगे कुछ नए लोगों से। थोड़ा आगे बढ़े तो स्नोफॉल दिखी। जैसे कि आपको पता है कि सुबह यहाँ पे धूप निकल चुकी है बहुत अच्छी, तो जो स्नो है वो पिघलने भी लगी है और काफ़ी स्नो भी बची भी है, तो इस हिसाब से लगा लो कि स्नोफॉल काफ़ी हुआ था। जो परसों हुआ था, कल थोड़ा बहुत हुआ था पर इतना नहीं हुआ था। और फिर थोड़ा आगे बढ़े स्लोली स्लोली, क्योंकि गिरना नहीं है ब्रो। और ये जो रास्ता है कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो काफ़ी डेंजरस रूट है यार ये। तो अभी केदारनाथ से निकल चुके हैं और ठंडा फिर से बढ़ चुका है। मुझे लग रहा है रात को आज फिर स्नोफॉल होगा यहाँ पे, मे बी पॉसिबिलिटीज तो हैं। और कल रात जब हम केदारनाथ पहुँचे तब ये पूरा पानी जम चुका था, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होटल थी क्योंकि रात में ठंडा काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, नाइट स्टे के लिए आपको इस तरीके के टेंट ज़रूर मिल जाएंगे, पर टाइम को देखते हुए इस टाइम अपनी कुल्फी नहीं जमानी थी मुझे, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होटल थी कल के लिए। और थोड़ा शॉर्ट मार के निकलते हैं अभी यहाँ से, तो चलें फिर। तो भाई तो बैठ के निकल रहा है और अब बारी है मेरी। मैं आगे आगे, मेरे साथ दो भाई लोग पीछे पीछे। ओके गुरुजी, गुरुजी बढ़िया लग रहा है भाई ट्रैक करके। ये कौन सी गुफा आ गई ब्रो, ये कौन सी गुफा है? मौसम खराब होने वाला है। मौसम खराब होने वाला है, बारिश होने वाली है। बारिश से पहले हमें ट्रैकिंग कंप्लीट करनी है, फिर सोनप्रयाग जाना है। तो इस शॉर्टकट को लेकर सब लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं वन बाई वन। तो हल्की हल्की स्नोफॉल फिर स्टार्ट हो गई और मैं वही बस शॉर्टकट लेके ऊपर जा रहा हूँ। सुबह से चौथा या पांचवा टाइम है जहाँ पे मतलब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। दो मिनट के लिए हो रहा है हल्के हल्के, उसके बाद फिर बंद हो जा रही है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, और ये जो चढ़ाई है ना ये और भी मज़ेदार है। 2013 में जो ट्रेजेडी हुई थी इसकी निशानी एक सामने आप लोग देख रहे होंगे, और लेफ्ट में जो पुराना ट्रैक था वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। और इस टाइम पे हम लोग निकल रहे हैं रामबाड़ा की तरफ से, जो कि 2013 में पूरा ही बह गया था, मतलब कह सकते हैं उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा था। जबकि लोग क्या करते थे, अपनी पहले दिन की जर्नी सोनप्रयाग टू रामबाड़ा तक करते थे, और कुछ लोग नाइट स्टे करते थे रामबाड़ा में और फिर निकलते थे अगले दिन सुबह सुबह टेंपल की तरफ। एक बर्फ का टुकड़ा सीधे मुंह में, वाह शुद्ध पानी। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ब्रो यहाँ पे काफी हैवी स्नोफॉल होने लगा। व्हाट एन अमेजिंग ब्यूटी। राइट नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट, बहुत थक गया हूँ भाई। थोड़ी देर बैठ के यहाँ की सीनरी का औसम मज़ा लेते हैं यार, बहुत बढ़िया सीनरी है यार, मज़ा आ जाएगा ब्रो। एक बार आके तो देखो केदारनाथ, पैदल ट्रैक करना जब भी आना भाई, कोई भी घोड़े वोड़े की ज़रूरत है नहीं वैसे यहाँ पे, काफ़ी इजी ट्रैक है, बढ़िया मतलब अच्छा मज़ा आएगा। और रेस्ट करते हुए यहाँ पे हो चुका है काफ़ी टाइम, तो आपको पता है ना फिर क्या करना है अभी। और सामने पुराना ट्रैक दिख रहा है और आगे जाके पाथ जो है उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। देखने पे साफ पता लगता है कि यहाँ पे एकदम लैंडस्लाइड हुआ है भाई। तुम्हें सबसे अच्छा तरीका पता है, मतलब अगर ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब डाउन पे आ रहे हो आप लोग केदारनाथ होने के बाद, सबसे अच्छा तरीका ये अपना लो यार, मतलब एक बैग लो, अमेरिकन टूरिस्ट एक बैग लो, खोलो और लुढ़काते हुए ले चलो।
चले ब्रो हम भी चलते हैं, हम भी बैग की तरह लुढ़कते हैं भाई आगे। और लुढ़कते लुढ़कते मैं पहुंच चुका हूं एक पालकी वाले के पास। अभी मैंने पालकी वाले से पूछा कि भाई आप लोग अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ हेलीकॉप्टर से इस टाइम पे घोड़े हैं जिनसे कि लोग ऊपर तक जा रहे हैं, आप लोग कहाँ हो? तो पालकी वाले ने बताया कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि केदारनाथ भी अभी 14th of November को बंद हो जाएगा, तो इससे पहले पालकी वाले निकल गए सारे के सारे। और फिर मैं पहुंचा अपने फेवरेट ब्रिज पे जो कि काफ़ी हिल रहा है लोगों के चलने पे। कल इतना गौर किया नहीं था इसका हिलने का। हिल कैसे रहा भाई ये? बस ब्रो बस। और जो पीछे आंटी लोग हैं ये लोग काफ़ी डर गए जब ये ब्रिज हिल रहा था, तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। और यह है मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से निकलते हुए जा रही है अभी गौरीकुंड की तरफ, तो पहले भी हमारे साथ थी और अभी भी हमारे साथ है। काफ़ी डरावना है यार, मतलब हिल इतना रहा है कि यार मतलब भाई कोई अगर रात में आ रहा हो तो डरा सकते हैं किसी को श्योर। अब तो ये जगह और भी फेवरेट हो गई बाबा मेरी मेरी जी है ना भाई। कैसा लगा इतनी ट्रैकिंग करके? वो भी डाउन की मजा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया ना ब्रो। ऑसम बाबा ऑसम। तो अब यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलते हैं क्योंकि अभी पहुँचना है हमें सोनप्रयाग। लगभग 7 बजे मैं पहुँच गया गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए ली मैंने टैक्सी और फिर पैदल सीतापुर। और अब मिलता हूँ मैं सीधे आप लोगों को होटल में। तो फाइनली मैं पहुँच चुका अपने रूम पे सोनप्रयाग, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। तो मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास मैं केदारनाथ से निकला था और 7:15 पे मैं गौरीकुंड पहुंच गया। मतलब कि कितना हो गया, 7 hours and 15 minutes में मैंने केदारनाथ की जो डाउन की जर्नी थी वो कंप्लीट कर ली। और रास्ते में यार काफ़ी एपिक चीज़ें मुझे पता चली जो मैंने आप लोगों को बताया 2013 पे जो लैंडस्लाइड और वो पहाड़ आई थी भाई उस टाइम की बात। तो चलो मिलते हैं कल। अब कल मैं निकल रहा हूँ घर और बाकी मेरे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं यार। पाँव इतने दर्द नहीं कर रहे जितने मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं बैग टांग टांग के। मतलब पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली मैं बैग टांग रहा हूँ, कभी चल रहा हूँ कभी बाइक पे टांग रहा हूँ। ठीक है, ऑसम ट्रिप रही, बहुत मज़ा आया, दोनों ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी। तुंगनाथ है केदारनाथ दोनों का फील अलग है, दोनों की वाइब अलग है, एकदम मस्त है यार। इन दोनों ट्रैक में आपको जितना मज़ा अपने सफ़र का आएगा ना उससे ज़्यादा मज़ा आपको मंजिल का भी आएगा। कल निकल रहा हूँ मैं घर, तो मिलते हैं कल। अभी मैं थक चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने। सो गुड नाइट, सबा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।